किस प्रकार से देखते हैं, सरकार सत्ता में आ गई है आपकी, भारी प्रचंड बहुमत से जीत के आई है, पहली बात तो बधाई हो आपको, आपकी सरकार बन चुकी। देखिए, पिछले 5 साल में राजस्थान में जिस प्रकार की अराजकता की स्थितियाँ थी, आमजन उससे काफ़ी व्यथित था, समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं था जिसके साथ पिछले 5 साल में के शासनकाल के दौरान धोखा नहीं हुआ, चाहे वो युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, बेरोजगार वर्ग हो, महिला वर्ग हो। तो उसकी आक्रोश के रूप में भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटों जिताकर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है, और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहेगा कि इन सारी अराजकताओं को यथाशीघ्र समाप्त करते हुए और राजस्थान में सुशासन स्थापित किया जाए। दावे किए जाते हैं, पेपर लीक को मुद्दा बनाया बीजेपी ने, विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार जिसको बहुत मुद्दा हावी रहा, जिसके दम पर आज बीजेपी प्रचंड बहुमत आई है, क्या आपकी मॉनिटरिंग रहेगी पेपर लीक को लेकर, एग्जाम को लेकर? चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, सब में भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। और इसके लिए आपने देखा होगा पिछले दिनों जो SITs बनी है, जिन योग्य पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में बनी है, तो आने वाले समय में इन सब का एक ऐसा वातावरण और ऐसी व्यवस्था बनाने में हम कामयाब होंगे कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होंगी। CM बदनलाल शर्मा आज दोबारा दिल्ली पहुंचे हैं, मंत्रिमंडल पर चर्चा हो सकती है, विस्तार होती है, ना कि आपका भी नाम मंत्रिमंडल में आ रहा है? अब ये तो पार्टी का काम है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो सबको मंजूर है। कांग्रेस लगातार बीजेपी विपक्ष में बैठी है और लगातार दावे करिए कि डम्मी सरकार है, बिजनलाल शर्मा एक डम्मी के रूप में काम करेंगे, जबकि डबल इंजन की सरकार दावा किया जा रहा है। अब वो तो आप काम देखेंगे उसके बाद टिप्पणी करें, कम से कम 6 महीने का समय तो दें काम करने का, अभी तो कितने दिन हुए। राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए क्या है, क्योंकि कल भी जो बुधवार को शपथ हुई थी तो हंगामा हुआ था, एक विधायक को दोबारा शपथ लेनी पड़ी क्योंकि उसने राजस्थानी भाषा में ली थी, दो को लेनी पड़ी थी। प्रयास करेंगे, भारत सरकार के स्तर पे, राज्य सरकार की तरफ से प्रयास होगा, हम भी जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे और किसी भी कैसे जैसे भी जो भी प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया को पूरी करके और राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, ये अनुसूची में शामिल हो, इसका प्रयास हम लगा रहे हैं। मुस्लिम कैंडिडेट विधायक जो थे उन्होंने संस्कृत में शपथ ली, सबको चौंका दिया, क्या मानते हैं? ये राष्ट्रवाद की जीत है कि उनके मन में भी अब धीरे धीरे ये भाव आ रहा है कि राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे और हम रहेंगे तो राष्ट्र रहेंगे, और उसी के अनुभूति में उन्होंने संस्कृत जैसी भाषा में शपथ लिए, क्योंकि संस्कृत भारत की मूल पुरातन भाषा है। एक अंतिम सवाल आपसे जावर जी ये था कि क्या विशेष मुद्दे रहने वाले हैं, क्या समस्याएं, आपके क्षेत्र की बात कर लें, राजस्थान प्रदेश की बात कर लें, जिन पे आप और आपकी सरकार फोकस करना प्राथमिकता रहेगी? देखो, सबसे पहले पूरे प्रदेश के स्तर पे तो देखें तो कानून व्यवस्था, और हमारे क्षेत्र की बात करें तो हमारे यहाँ पेयजल की समस्या, तो बहुत से मुद्दे हैं जिनको हम धीरे धीरे हर काम का पे काम करते हुए उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करेंगे, भ्रष्टाचार के अंकुश लगाएंगे और आम आदमी को एहसास कराएंगे कि वास्तव में सुशासन आ रहा है। आप शेखावाड़ी अंचल से आते हैं, वहाँ पे पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा किल्लत ज़्यादा रहती है, आपके क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेंगे, पेयजल समस्या को कैसा? पेयजल के लिए हमारी जो सीकर जिले के लिए कुमाराम लूट पेयजल परियोजना का दूसरा चरण है, उसके लिए 7,892 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री जी के पैर पर स्वीकृत हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस योजना को यथाशीघ्र धरातल पर उतरवा कर इस समस्या का स्थायी समाधान करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक जावर सिंह खर्रा, जो लगातार यहाँ पे जो पुतला दहन किया गया है राहुल गांधी का, कांग्रेस का, देख सकते हैं वहाँ पे वो खड़े हैं और उनसे हमने बात की है, इन्होंने पुतला दहन किया है कांग्रेस TMC सांसद का, राहुल गांधी का, पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के उनका, तो कहीं ना कहीं मिमिक्री को जो है वो भी कहीं ना कहीं पूरे देश में, और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में प्रचंड बहुमत से सरकार आ चुकी है बीजेपी की, और बीजेपी लगातार आक्रोश व्यक्त करी है, युवा विधायक हैं, चाहे वो किसान वर्ग से विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी संबंधित है, तो जो मिमिक्री हुई है उनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी संबंधित विधायकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। विधानसभा के सामने पुतला दहन किया गया है। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।